हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शिफ्ट वन के, शिफ्ट टू के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ताकि हम वो वाले वीडियोज भी बना पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। लघु वृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि या सुवृष्टि। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण खाने बीच मिठाई लाया। करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने बाद मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया, या फिर करण खाने साथ मिठाई लाया। इससे इजी क्वेश्चन और क्या ही होगा। सही आंसर है करण खाने के लिए मिठाई लाया। सुनेना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। सुनेना खाना खा रही थी, सुनेना ने खाना नहीं खाया जाता, सुनेना से खाना नहीं खाया जाता, सुनेना खाना खा रही होगी, सुनेना खाना नहीं खा रही है। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, सही आंसर है बी, सुनेना से खाना नहीं खाया जाता। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। नारी नीड, नीर, नाडी। आयुर्वेदा हॉस्पिटल गए हैं या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। सही आंसर है डी, नाडी। आयुर्वेदा में नाडी का बहुत इंपॉर्टेंस है। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करवाना, अकल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना या फिर नई योजना बनाना। सही आंसर है ए, सिफारिश करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध नेपाली भाषा में उपदेश दिया। भाषा, उपदेश, दिया या फिर पाली। सही आंसर है डी, पाली। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो, कोड में खाज, किस मर्ज की दवा, कोल्हू का बेल या फिर कूप मंडूक। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है बी, किस मर्ज की दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल का स्रोत पढ़िए, धात्री, कांता, शारदा या फिर उमा। तो सही आंसर है इसका सी, शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का गौर संबंध है। संबंध, गौर, साहित्य या फिर जीवन। इसका सही आंसर है बी, गौर। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। शिक्षार्थी, शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी। ये तो पता ही होना चाहिए, इतने इजी क्वेश्चन कहां। बी, शिक्षक। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवयव, अभिन्न, कृशांग या फिर दृष्टि। सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन क्या रहेगा सही इसका वो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर रहने वाला बी, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। कहना, कहानी, अकथ्य या फिर कथन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, अकथ्य। आई थिंक यहां पर हमारे क्वेश्चंस
एंड होते हैं। तो शिफ्ट वन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब शिफ्ट टू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।